वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जपति साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिब अमृत प्रसाद जप आदि सच नानको सीपी सच सोचे सोच न होवई जे सोची रखवा चुप्पे चुप न होवई जे लाहे रहा लिवता ख्या भुखा ना उतरी जे बन्ना पुरिया पाल सह सियान पाल आखो वे ताइक न चले नाल किव सचलना नानक लिखिया नाल हुकमी हो न कर हुकम न कहे जय हुकमी हो जे हुकम मिले वडे हुकमी उत्तम बख्शीस एक हुकमी सदा पवाइए हुकमे अंदर सब को बाहर हुकम न कोए नानक हुकमे जे बुझैता हो मैं कहे न को मैं ना तो बस यही है इन्हें तो मदर है वो कोल बिठा के काफ़ी उन्होंने सम्मान देते रहे ठीक है उस दिन वाली चलो 1.5 साल के बीच काफ़ी कुछ सीखने मिल गया मेरे वालों में कि चलो जिन्ना क बनता सरदा ही कीता संजोग बिल्कुल बाकी टाइम थोड़ा वह काम ज़्यादा अपने को ते करके हाँ जी मैं तो चलो उन्होंने बच्चे यही कहना भी अपने माँ बाप उन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों वो तो गुरबाणी जोड़ो ठीक है मतलब जिन्ना भी इतिहास हो सके भुलता जा रहा ज्यादातर जिन्ना भी हो सके उन्होंने जोड़ना चाहिए नाल बच्चों माय नेम इज गनूर कौर माय क्लास इज UKG जपजी साहब दा पाठ चार साहब दे पंज ककार पंज प्यारे दस गुरु साहिबान दे राम सूबे दी खिचारी ते जुझारू खालसा ये सारा कुछ मम्मा ने सिखाया नहीं जुझारू खालसा सिखाया कला जुझारू खालसा कला सिखाया गुरनूर मेरी बेटी नहीं मेरा पोत जी हाँ जी ए सवा 2 साल दी जदों दा मतलब कि गुरबाणी दा कंठ करन लगी जी हाँ जी ते हौली हौली दा रुझाव वधदा गया ए मैनू कहंदी गई मम्मा मैनू होर सिखाओ बस एक समय दी घाट जे क्योंकि आपां कल्ले रहने आ समय दी घाट करके इनू बहुत थोड़ा सिखाया गया हाँ जी ते ए गुरबाणी यानी कि जपजी साहब दे पंज पौड़ियां दा पाठ चार साहिबजादे पंज ककार यानी कि दस गुरु साहिबां दे नां होर भी जाने कि जिमें चार साहबजाद फिल्म च डायलॉग आ ओ इनू आउंदे जी मतलब कि बे नॉन स्टॉप तुसीं सुन सकदे इहदे कोल भी ते गुरबाणी दे नाल नाल चलो पढ़ाई भी जरूरी है पर पढ़ाई च भी जे वेखी जाए ते इहदी मतलब कि हले तक फर्स्ट सैकंड ही पोजीशन आउंदी है डिवाइन पब्लिक स्कूल ए मतलब पढ़दी इत्थे लागे नज़दीक ही पैंदा साढ़े
पर एदा बस ज्यादातर हले भी वेख्या जाए जिवें बच्चे कार्टून वेखते ने गाने ते मतलब अपनी वीडियो वगैरह बनाते हैं इस चीज़ा ले रुझाव बहुत ही थोड़ा वा यदा सिर्फ ज्यादातर वेखिए गुरबाणी वाले पास यदा रुझाव ज्यादा अपने मूहों कहती भी मैं गुरद्वारा साहब खड़िया करो उत्थे जाके आपे जाके मतलब कि हाथ जोड़ के बिना क्या पाठ कर लग पैंदी है। हाँ जी वीर जी मुश्किल तो कोई भी काम करिए आ पर जेडे बच्चे की लगन होली मुश्किल नहीं ए लगन हैगी सी तो यह हौली 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 सीखती गई जिवें पहली पौड़ी का सिखाया फिर ये को मैं डेली रिपीट करना उन्होंने बार बार काम करद्या भी रिपीट करी जाना भी ता जो इनू आ जाए एक सीखती गई मानी जाने कि 2 साल इन्हें प्रूव करता वा। हाँ जी